बैक गाइज। और अभी हो रहे हैं तकरीबन 3 बजे हैं और मुझे आप लोगों से पूछना था कि क्या आप लोगों को कभी किसी जगह से लात मार के बाहर निकाला गया? नहीं, मुझे निकाला गया। आओ दिखो मेरे साथ। इसी दिन यानी ये जो दिन गुजर चुका है पीछे, पहले थोड़ा सा वो देख कर आते हैं, फिर आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आखिर हुआ क्या है आपके भाई के साथ। चार पांच डब्बिया लिया या तो डेट ज्यादा हो, ठीक है, ते एक मेडिकम ट्यूब, ठीक है, ते बेसन दिया सेंगनिया वो तू लिया गया, चीजा दिया तीन दिन क्या रखनिया ने याद नाल। तकरीबन सारे काम हो गए, आखिरी एक काम रह गया वो करने वाला, और हालत मेरी खराब ही। चलते हैं, चलता है। और आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये इतना पागल पागल क्यों फिर रह गया, मतलब आज इसको क्यों सारी चीजें इकट्ठी करनी है, तो इसके पीछे भी एक रीजन है, आइए सुनते हैं। आज ही ले आया, कल देना पाई, ठीक है, परसों स्वर्गीय से निकल होना है, ठीक है, याद रखिए, ओके ओके लॉफ्स। यही वजह थी कि भाई आपका भाई ने आज चीजें सारी इकट्ठी करनी थी, क्योंकि आज रात को ही यानी 3 बजे 5:30 की फ्लाइट है, 3 बजे भाई ने बाहर चल जाना, मतलब फ्लाइट टेक ऑफ हो जाएगी, तो इसीलिए मुझे सारी चीजें इकट्ठी करनी थी, मैं लेट लतीफ था, तो बस नहीं ही तो आज सारी चीजें इकट्ठी करके नहीं। घर हालात कुछ ये हैं कि हालत बुरी है, लेकिन गुजारा करना पड़ रहा है। अभी एक काम रह गया है, मेडिसिन ले ली थी, सिंगरियाँ ले ली अब के लिए, कुछ बाजार से लेना था वो सिस्टर को लिया, तो वो भी हो गया, सब कुछ मतलब ओके हो गया। अभी सिर्फ एक काम रह गया कि चाट लेकर आनी है, वो भाभी के घर में बनी है तो वहाँ से लेने जाना, तो चलते हैं। तुम लोगों को पता है अपने घर में चलता है, लेकिन भाभी के घर में अब ऐसे थोड़ी जाना, तो थोड़ा सा तो करना पड़ेगा। मुझे भी होना है तैयार, जस्ट 3, 2, 1 तो तैयार हो गए, बाल बनाते हैं और निकलते हैं जी। तो अब खाते हैं मट्टी, वो भी मिलके, नहीं समझे, आओ समझाऊं। तो अब समझिए अपने भाई का दुख, एक तो घर के काम, ऊपर से दे के भी बाइक भेज रहे हैं मट्टी। अब थोड़ी स्पीड मारते हैं क्योंकि रात हो चुकी है और वापस भी आना, तो चले। तो भाई 10 किलोमीटर बाइक पर, 10 किलो धूल खाने के बाद फाइनली मैं पहुंच गया हूं, और आगे देखो अब क्या बनता है। भाई आई एम हियर, आ चुका हूं, ये और ये आपके बाइक की खिदमतें, शुक्रिया। शुरू कर सकता हूं अब। नहीं तब तो भाई ये रही हमारी चाट हैंडल के साथ, और खाना वगैरह खा लिया। आगे आप लोग समझ सकते हैं कि क्या करना है, वापस 10 किलोमीटर जाना है बाइक पे, 10 किलो धूल खानी है, तो जल्दी से जाते हैं और बाकी की कहानी बाद में बताता हूँ। सी यू। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, ये क्या है इंटरप्शन, कॉल आ रही है, एक सेकंड। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, मामा जी। जी क्या है, ते पापा दी मेडिसिन लेके आनी है, ठीक है, याद ना लेके आ। तो भाई वो ये रहा है कि कॉल तो आप लोगों ने सुन ली है, अब जिस रास्ते से मैं गया था ये साथ वाले में, मुझे यू टर्न लेके फिर यहाँ से वापस जाना है और मेडिसिन लेकर आनी है। बस आप छोटे हो,
यही हाल होगा आपके साथ। ओके सो आई एम एट मामूज क्लिनिक और यहाँ से अभी हमें लेनी है मेडिसिन। आउच, मेडिसिन लेते हैं और लग जा, फिर चलते हैं। आउच, तो भाई ये मेडिसिन लेनी थी, मेडिसिन भी ले ली है और अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं बाइक पर बैठूं, ये चीज़ें पकड़ूं, मोबाइल पकड़ूं, व्लॉगिंग करूं कि क्या करूं। आप बताओ, मोबाइल रख देते हैं यार, मिलता हूँ आपसे। अब मैं आपको क्या गाना सुनाऊँ, सारा मूड ही ख़राब कर दिया। अच्छा भला हम जा रहे थे रोड पे। Two hours later. भाई आफ्टर 2 hours ऑफ जलालत के बाद मैं फाइनली अपने घर पहुँचने वाला हूँ एंड आई फील सो ब्लेस्ड। ओ बहुत, मतलब मैं थक गया हूँ, बहुत ज़्यादा काम किए हैं। यस One eternity later. तो भाई तुम्हारे साथ भी कभी ना कभी ये काम हुआ होगा कि तुम्हें बोला गया होगा कि भाई तुमने मतलब चीज़ें इकट्ठी तो करनी है, ठीक है, तुम ये सब कुछ तो होता रहेगा, लेकिन तुम्हें बोला गया होगा कि तुमने छोड़ने जाना है भाई एयरपोर्ट पे, तुम जाओगे लेकिन एट द मोमेंट, मतलब लास्ट मोमेंट पे आपको बोला जाता है कि तुम नहीं जा रहे। इवन तुम अपने रूम से जब निकलते हो तो तुम तैयार होते हो, तुमने शर्ट पहनी होती है, तुमने शूज़ पहने होते हैं और तुम्हें बोला जाता है इवन कि तुम नहीं जा रहे। आपके भाई के साथ हुआ है, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। ये चलो सही, अल्लाह हाफिज। मतलब क्या क्या नहीं था सोचा आप लोगों के लिए, अपने लिए, मतलब मैंने क्या क्या नहीं सोचा मुझे बताओ। मैं सोचा था कि मैं वहाँ पर जाऊँगा, मैं आप लोगों के लिए क्या क्या, मतलब हम बातें करेंगे, हम क्या क्या करेंगे, सब कुछ बड़े भैया और हम आगे समझदार हो आप लोग, मतलब क्या सीन हो गया। और अगर यार मैं नींद की बात करूँ, अब इस वक्त मुझे नींद जो है ना मतलब बहुत ज़्यादा आ रही है, लेकिन अगर मुझे शूट करना होता तो मैं लिटरली 2 घंटे तक कर सकता था, लेकिन अब मुझे आ रही है काफ़ी ज़्यादा नींद और मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मैं सोऊं या मैं मतलब क्या करूँ। तकरीबन 4 का टाइम हो रहा है, नींद काफ़ी ज़्यादा आ रही है, सो जाना चाहिए। सोते हैं, आप भी सो जाएं, इस पता नहीं कब देख रहे, तभी सो जाओ, मज़े करो, लाइफ इंजॉय करो। भी आपके साथ हो जाता है ऐसा, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स ओके, हो जाता है, शायद आपके साथ भी हुआ हो, मगर नहीं हुआ तो हो जाएगा, मतलब मैं बद्दुआ नहीं दे रहा। लाइफ में सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस करना चाहिए, तो लात का भी एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो लाइक कर दो, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग मैं कोशिश करूँगा कि मैं कम्प्लीट बना सकूँ और अच्छा बना सकूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।